अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं जी। तो खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी, है ना? बचपन से ही सुन रहे हैं, बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना? बात तो सही है, मैं इस पर पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। हमें ज़िंदगी को भी आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलना चाहिए। फौरन तेज़ी से चले गए और आगे जाके नींद आ गई तो फिर क्या होगा बाकी ज़िंदगी का? खरगोश और कछुए की कहानी क्या थी? खरगोश और कछुए की कहानी यही थी ना कि दोनों ने एक साथ रेसिंग शुरू की। कहीं जाना था उन्हें, जहाँ भी जाना था वो उनका अपना मसला था, लेकिन एक साथ रवाना हुए। और खरगोश चूँकि तेज़ भागता है तो वो जल्दी से आगे चला गया, काफ़ी जगह उसने जो है ना वो अबूर कर ली। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा सस्ता लेता हूँ, बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी उसे एक दरख्त के नीचे छाँव नज़र आई, उसने कहा मैं सो जाता हूँ। वो वहाँ सो गया। अब ये कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जब वहाँ पहुँचा जहाँ पर खरगोश सो रहा था तो उसने देखा, उसने कहा ये तो सो रहा है, चलो ये तो बाद में तेज़ी से पहुँच जाएगा जहाँ भी पहुँचना होगा, मैं तो अपनी रफ्तार को कम नहीं करता। और वो अपनी रफ्तार से चलता गया आहिस्ता आहिस्ता। अभी जनाब पहले तो खरगोश आगे पहुंच गया था, और अब क्या हुआ कि खरगोश यहाँ सोता रह गया और कछुआ आगे चला गया, और वो जाकर वहाँ पर पहुंच गया मंजिल मकसूद पर जहाँ पहुंचना था। इधर खरगोश मियाँ की आंख खुली, उसने देखा कि ओहो ये तो शाम हो रही है तो मैं कितना सो गया। लेकिन उसने फिर दौड़ लगाई, लेकिन वहाँ पर कछुआ पहले पहुँच चुका था। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, है ना? वो हमारी नानी दादियाँ कहती थी कि जो मिट्टी का बर्तन है ना उसमें आहिस्ता आहिस्ता खाना अच्छा बनता है, सुकून से बनता है। अब तो ये प्रेशर कुकर ईजाद हो गए, फटाफट 5 मिनट में खाना पका पकू के वो दे मारा, यही हो रहा है ना? तो हम ज़िंदगी में भी यही कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें जल्दी से तरक्की मिल जाए, हमें जल्दी से फेम मिल जाए, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, हम किसी कंपनी के फौरन बॉस बन जाएं, हम किसी कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल फटाफट बन जाएं। तो ऐसे तो होने नहीं लगा, नीचे से काम शुरू करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी चढ़ेंगे दूसरी चीज, और उसके बाद चढ़ते चढ़ते आखिर इंशाल्लाह ताला एक दिन तो ऊपर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, ठीक है ना? तो जल्दियाँ करने की क्या ज़रूरत है? इंसान बेसब्रा है, बेसब्रा भी है ना शुक्रा भी है। जो मिला है उसमें खुश रह लें, उसमें जी लें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश जारी रखें, अपनी कोशिश करते चले जाएं। ऊपर बढ़ने के लिए कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये जो शॉर्टकट मारना है ना, हाँ तो ये प्रेशर कुकर को इस्तेमाल ना करें। मिट्टी की हांडी ठीक है, उसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, आहिस्ता आहिस्ता बनता है, दम पे उसको रख दें, ज़्यादा पानी और घी भी न डालें, बहुत ही शानदार बनेगा और उसका जायका ही फ़र्क होगा। वो प्रेशर कुकर वाला खाना तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन उसके टेस्ट में वो मज़ा नहीं है, है ना? तो इसी तरह ज़िंदगी के प्रेशर्स को हम बर्दाश्त करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको पकने देते हैं, फटाफट वाला काम नहीं करते, तो फिर ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है। इसी तरह हर प्यार को, हर ज़िंदगी को जिएं। इसकी जो भी ज़िंदगी है, जैसी भी ज़िंदगी है, असल में तो ज़िंदगी को जीना है हमने प्यार मोहब्बत से। पैसा है या नहीं, सेहत होनी चाहिए और ज़िंदगी होनी चाहिए, लोगों का साथ होना चाहिए, लोगों का प्यार होना चाहिए। ये दुनिया तो आनी जानी चीज़ है, असल तो हमने ऊपर जाना है ना, हमारी तैयारी तो ऊपर के लिए होनी चाहिए। और फिर ज़िंदगी में रहते हुए कितना पैसा चाहिए, एक हद तो मुकर्रर करनी ही चाहिए ना। ऐसे बेहिसाब जो है ना वो नहीं माल इकट्ठा करना। इंसान तो है ना खसारे में, ज़माने की कसम खाइए अल्लाह ताला ने, इंसान खसारे में है। खसारे में कैसा है, सारी उम्र जमा करता है जमा करता है, उसको यही फिक्र होती है, तो फिर क्या होता है, आखिर तो जाके कब्र में चले जाना होता है। तो इंसान को समझना चाहिए ना कि ये क्या खसारा है। तो मैं तो कहती हूँ कि कछुआ बने, कछुआ ही ठीक है, खरगोश बन जाए तो फिर क्या होगा, एक टाइम पे
आपको मुश्किल तो पड़ेगी फिर। स्लो एंड स्टडी दुनिया में तरक्की करें, स्लो एंड स्टडी दूसरे को प्यार करें और प्यार समेटें, ठीक है ना। चलें आज की यही बात, एक छोटी सी बात, छोटा सा ख्याल जो मेरे जहन में आया आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब कीजिए और देखती रहे मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।